सत श्री अकाल गाइस, क्या चला है। मेरा नाम है सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, आई डोंट नो, मेरे को नहीं क्लियर नहीं है। ये दिविक कुमार को शायद आप लोग जानते हो, कई लोगों ने देखा होगा। पाकिस्तानी हिंदू है और वो वहाँ से माइग्रेट हो गया है। तो आपने बहुत सारी होगी देखी होंगी उसकी, जो अपनी वीडियोज़ हैं तो इंटरव्यूज देखी होंगी। ये बंदा है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका एक ना, मेरे को दिविक कुमार नाम का चैनल है। आई डोंट नो कि ये उसका इसका ओरिजिनल चैनल है, इसका क्या है, लेकिन इस चैनल पे सैयद मुजम्मिल की एक वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं वहां से इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ पे, सो दैट के यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको पता ही है कि स्ट्राइक वगैरह का चक्कर पड़ जाता है। तो मैं इस वीडियो का मैंने दे दिया। मेरे को नहीं पता कि ये दिविक कुमार ओरिजिनल अपना ये चला रहा है यूट्यूब हैंडल, के कोई और इसको ऑपरेट कर रहा है या क्या है, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो इसलिए दिखानी है कि इसमें सैयद मुजम्मिल, ठीक है, जो कैसे पाकिस्तानियों के कपड़े फाड़ रहा है बैठ के, कि यहाँ पे मिनोरिटी का हाल क्या है, ठीक है। तो वो मैं आपको पूरी इसकी दिखाऊंगा, पूरा दिखाता हूँ, क्योंकि पुरखियों को दिखाना होता है कि आपके बंदे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो इसको दिखाना जरूरी होता है। जैसे पुरखी हमारी स्टेटमेंट, हमारे लोगों की स्टेटमेंट लेके उल्टा सीधा बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं है, हम तो प्रोपागंडा करते नहीं है, लेकिन वो हमारी स्टेटमेंट कुछ और होती है, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। जैसे सत्यापॉल का हुआ अभी, ठीक है, तो सत्यापॉल मलिक का हुआ, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी उन्होंने स्टेटमेंट को घुमा लिया, लेकिन हमारा काम नहीं होता। हमारा काम होता है कि जो चीज उनके बंदों ने दिखाई है वो दिखानी है, तो वो भी हमारे बंदों को दिखाते हैं कि ये कोई इंडिया नहीं। हम भी, मैं भी आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इनके बंदे, पाकिस्तान के बंदे, पाकिस्तान की जो मिनोरिटी है उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि ये वहां पे रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे होते हैं, इनको ज्यादा हालात का पता होता है। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों से अपने व्यू पॉइंट दूंगा। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके आवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, अपने मुल्क के जो कमज़ोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी ज़ुबान जल जाएगी। और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%, और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बड़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं, जिसमें थरपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें, इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट्स शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है, और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए।
अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रिज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में टे दी थी, वापस माइटन में आई, माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैकमेल करी खड़े भी आई केयर खड़ी हो तो कहीं इकबाल बम्बरो खड़े भी होते उते मुझे क्वार्टर में खड़ी हो मुझे चे तो मुसलमान थी ने का मुसा कर ने तो के गोली हने मारी चंदा तो पाजे खुशी सा तो दिल कबूल कयो मु खुशी सा कोन कयो जोरी मुझे धमके ने गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी मुझा मुझे मजहब कौन छंदे तेरे मुझे धमकी ने मजहब मुसलमान थी मुसलमान तेरे नेका साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वही बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। यूएनपीओ की रिपोर्ट के मुताबिक दो तरीके कार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीके कार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली ये कम्युनिटी की एक 15-14-13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये दो तरीका कार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के। और जो हैरान कुन स्टैट है जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोट करने लगा हूं, वो ये है कि एक साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 वुमेन एवरी सिंगल ईयर आर बींग कन्वर्टेड इन ब्रॉड डे लाइट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच येल्स टू द एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी कि इस्लामोफोबिया को बंद करो और अपने मुल्क में ये हो रहा। तो 1000 खवातीन एक साल में फोर्सेबली कन्वर्ट होती हैं और उनकी उम्रों के हवाले से ये लिखा हुआ है इन रिपोर्ट्स में कि वो 13-14 साल के दरमियान होती हैं। अक्सर चाइल्ड मैरिजेस की जाती हैं, एक तो डबल वायलेशन, एक चाइल्ड मैरिज की, दूसरी फोर्सेबल कन्वर्जन की, और कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई स्टेट बचाने आती है और ना सिविल सोसाइटी बोलती है, और लोग ये कहते हैं कि हमने इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये जना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेज में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से, ये जना का पाकिस्तान है? या ये कौन सा इस्लाम है जो इस तरह का जबर सिखाता है आपको? आप जबरी तौर पर अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की या नुकसान कर रहे हैं? क्या इमेज दुनिया भर को जा रहा है कि ये किस नौयत का इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें किसी के पास ये आजादी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब कर सके? या स्टेट ऑफ मदीना के बड़े लेक्चर हमारे सियासतदान हमें देते हैं, वहां पर तो मदीना चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है मदीना की वो भी उम्मत का हिस्सा है और उसको रियासत प्रोटेक्ट करेगी। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस नौयत का इस्लाम है या ये कल्चर है या कस्टमरी लॉ है, ये किस किस्म का बैकवर्डनेस है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ब्लड बॉयल्स ऑन दिस कि किस कदर वल्नरेबल खवातीन और बच्चियां हैं वो, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, जो रेप की जा रही हैं, जिनको लिंच कर दिया जाता है, जिनकी फैमिली को असैसिनेट कर देते हैं और कोई बोलता नहीं है। ये 1000 खवातीन दे आर जस्ट डिसअपीयरिंग इनटू थिन एयर एवरी सिंगल ईयर। कोई सोचता भी नहीं है कि ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन है। ना मीडिया में डिबेट होती है, सिर्फ वो सुपरफिशियल बकवास डिबेट सुनते हैं आप सियासतदानों वाली कि आज कोर्ट में पेशी हो गई, इलेक्शन कब होगा, क्या नहीं। अवाम के राइट्स कहां गए, ये किसी को होश नहीं। जिसके लिए रियासत खड़ी की थी आपने वो मारे जा रहे हैं, उनके अलावा तमाम कवरेज जो है वो दूसरी तरफ चल रही है अशराफिया की। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें,
टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है जहां 100% एक किस्म की सोच होती है, जहां डाइवर्सिटी की कोई इज्जत होती ही नहीं है, जहां किसी भी अपने से मुख्तलिफ फेथ वाले सोच वाले इंसान को, एथनिसिटी वाले इंसान को असैसिनेट कर दो या अपने जैसा बना दो, सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं। और इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी फेवर में कि नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब किया और अपना फेथ तब्दील किया है, तो भाई मर्द किधर है? ये कौन सी दावत है जो सिर्फ अंडर एज खवातीन को मिल रही है लेकिन मर्दों को नहीं मिल रही? मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना सिंध के अंदर, कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। जीरो, नोबडी इज देयर एट ऑल ऑलमोस्ट। इस हवाले से कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अगर तो आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो वॉलंटरली आ रही हैं इस तरफ, तो उनके मर्दों को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा कि उनका फेथ गलत है, कोई और ठीक है? मुझे अगर मालूम है कि मैं सच के साथ हक के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं कोई मेरी बात मानता या नहीं मानता, मुझे कोई परवाह नहीं मैं किसी को जाकर फोर्स करूं या ना करूं, ये तो कमजोर का काम होता है। जो ताकतवर है, जिसको पता है मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं और मेरा फेट ठीक है, वो क्यों किसी को फोर्स करेगा जाके? कोई जवाब नहीं है इसका। इसमें बड़े बड़े रैकेट्स और गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सियासतदानों के साथ जुड़े रहते हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी सेकुलर अपने आप को पोर्ट्रे करेगी, वो भी इस वल्नरेबल तरीन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मिस्टर आसिफ अली जरदारी, दिस ओनस फॉल्स ऑन योर शोल्डर्स। यू क्लेम टू बी अ सेकुलर पार्टी, लेकिन आपके अपने सूबे के अंदर जहां पर दहाइयों से आपकी हुकूमत है, 1-2% की माइनॉरिटी को आप बचा नहीं पा रहे। यू शुड इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम योर ऑफिसेस। उसकी वजह यह है कि आपको नजर भी आ रहा है कि दिन दहाड़े आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है, और आपने इसको बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया और इस पर कुछ करने को आप तैयार नहीं है। कोई एक लेजिस्लेशन आप पास नहीं कर सके। अब जरा हल की तरफ आते हैं, क्योंकि हर इंसान मुझ पे अटैक करता है कि यार प्रॉब्लम बता दी, हल क्या है? क्योंकि लेजिस्लेटर भी वो समझते हैं, कानून साजी भी मैंने करनी है। तो जरा हल ये था कि आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते, वहां से कानून साजी करते और इस कम्युनिटी को बचाने के लिए मेजर्स लेते, लेकिन वो क्यों नहीं हो सकती, जरा ये सुन लीजिए। 2020 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें जबरी मजहब की तब्दीली पर 10 साल की सजा जो है वो एडवाइस की जाती है, लेकिन ये बिल हमेशा की तरह स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स जो सेनेट की थी JUI के अंडर, जो कि आज PDM की सरबराही कर रहे हैं, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। माशाल्लाह, पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग लड़ने वाली पार्टी ने इस बिल को स्टॉप किया और ये लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, सेनेट से छोड़ के बाहर चले गए वो एहतजाजन, लेकिन कुछ नहीं हो सका। आप कन्विंस नहीं कर पाए इस पे मौलाना को। जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, मौलाना को अपना दरीना साथी मानते हैं, अपना लॉयल फ्रेंड मानते हैं, लेकिन इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके उनको, क्योंकि करना नहीं था, इसलिए वोट लूज करते हैं इसी वजह से। इसके अलावा इस पे जब भी बात होने लगती है तो कुछ एलिमेंट सड़कों पे निकल आते हैं और वो कहते हैं कि हम पर हमलावर हो रहे हैं और हम जो हैं वो खतरे में हैं। 2% से खतरा है 98% को, और अवाम भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो इलिटरेट मैसेज है, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे इलिटरेट हैं, जिनको समझ नहीं आती कि किसी अक्सरियत का साथ देना तो बड़ा आसान है, ये कौन सा तुम्हारा इस्लाम है जो जबर को देखते हुए तुम बोलते नहीं हो आगे से। सबसे बड़े अक्यूज हैं इस मामले को लेकर, वैसे तो और बहुत से भी हैं, लेकिन मियां मिठू साहब उनका नाम है, सियासतदान और श्राइन ऑनर है वो, और इसके साथ साथ PTI का भी हिस्सा रह चुके हैं माशाल्लाह, साफ शरी सफाफ शरी वाली पार्टी। तो उनको UK ने भी सैंक्शन किया हुआ है कि UK में ये शख्स एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे इतनी एक्यूजेशंस हैं जबरदस्ती कन्वर्जन करवाने की। लेकिन मार्च में 2023 पिछले महीने में इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने, वकला ने एक सेमिनार अरेंज किया, और वो सेमिनार का मौजू था एंटी कन्वर्जन, कि किस तरह से मजहब की जबरी तब्दीली को रोका जा सकता है, और उसमें गेस्ट कौन था? मियां मिठू। उस बंदे को गेस्ट बुलाया बोलने के लिए जिसपे सबसे ज्यादा इल्जाम आते हैं इस हवाले से, उसको गेस्ट बुला के स्पीच करवाई, लोगों ने तालियां बजाई वहां पर, यह मजाक हो रहा है यहां पर। तो इसका हल ये था कि आप अपने पसमानदा और वीक सेक्शंस को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, रियासत के अमल में आने का मकसद ही फौत हो जाता है। उसकी वजह यह है कि रियासत के कयाम का मकसद, फिर मैं बताऊंगा, हजार बार कह चुका हूं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इमरानी मुआहदे के तहत एक शहरी की जान का तहफ्फुज था, और उसका उसके जो आइडियोलॉजीज हैं उसका भी तहफ्फुज था कि वो अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सके, जो कि इस्लाम के प्रिंसिपल के अंदर आता है।
लेकिन यहां पर वो भी गारंटीड नहीं है, स्टेट कुछ नहीं कर सकती। तो इस पे ये मत भूलिए कि अगर आप आज कमजोर का साथ नहीं दे रहे तो कल को आपकी बारी भी आनी है। बहुत सी कम्युनिटीज ऐसी थी यहां पर जिन्होंने इसी तरह के ऑप्रेसिव लॉस को सपोर्ट किया, कल को उनको भी उन्होंने एक्सकम्युनिकेट करके बाहर निकाल दिया और कत्लो गारत गिरी की उनकी, इबादत गाहें तोड़ी उनकी। मार्क ट्वेन जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर और राइटर हैं, उन्होंने कहा था, व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ ऑन द साइड ऑफ अ मेजॉरिटी इट इज टाइम टू रिफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। जब भी आप अपने आप को एक अक्सरियत का साथ देते हुए पाएं तो वक्त आ चुका है कि अपने आप को देखें और सोचें कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। उसकी वजह यह कि अक्सरियत का साथ देना बहुत आसान होता है, लेकिन दिल चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है माइनॉरिटी का साथ देने के लिए। और जिस तरह से अब्राहम लिंकन ने कहा था कि दोज़ हू डिनाय फ्रीडम फॉर अदर्स डू नॉट डिजर्व इट फॉर देमसेल्व्स एज वेल, कि वो लोग जो लोगों को आजादी हासिल करने से रोकना चाहते हैं वो खुद भी आजादी डिजर्व नहीं करते। अगर तो अपने मुल्क के अंदर आप माइनॉरिटीज को, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हों, हिंदू माइनॉरिटी हों, या दीगर माइनॉरिटीज जो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, या फिर दीगर अकवाम जो एग्जिस्ट करती हैं, जो नॉर्दर्न बेल्ट पे बैठी हुई हैं, जो बलोचिस्तान में बैठी हुई हैं, गिलगित में बैठी हुई हैं, अगर आप इन तमाम लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते और इनकी फ्रीडम आपको नहीं चाहिए तो फिर आप खुद भी आज़ादी डिजर्व नहीं करते। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के लेक्चर देना फिर बंद कीजिए, दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लेक्चर देना फिर बंद कीजिए। अगर अपने मुल्क के अंदर आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप कहीं भी आज़ादी डिजर्व नहीं करते। और इसका हल ये है कि पार्लियामेंट से लेजिस्लेशन की जाए इस जबर और जुल्म के खिलाफ, जो कि गैर इस्लामी जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिविल सोसाइटी बोले, ताकि आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनको जिनके लिए जान देने के लिए आप आजकल लड़ रहे हैं, कि वो पीटीआई आ गई, पीपल्स पार्टी, नून लीग आ गई, उनका एहतसाब हो सके, उनका गिरेबान पकड़िए, उनसे पूछें कि क्या किया आपने लोगों की हिफाजत के लिए, और अगर वो जवाब ना दें तो उनको वोट डालना बंद कीजिए। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। तो ये बात है कि इस वीडियो में ये जो सैयद मुजम्मल है ना, मैंने इनकी वीडियो पे पहले भी रिएक्शन किया हुआ है, ठीक वीडियो बनाते हैं, अच्छे अच्छे लॉजिक के साथ बात करते हैं और क्या करते हैं कि इंडिया को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हेल्दी वे में। मैं कई लोगों को ये पसंद नहीं है, मैंने सुना कि ये स्ट्राइक वगैरह भी मारते हैं। देखो भाई, अब तक तो मेरे को इन्होंने स्ट्राइक दी नहीं है, बाकी आगे का पता नहीं है। तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी जुबान ऐसी है कि मैं पुरखियों को, जब भी मैं, मेरे को पुरखियों का बात आती है ना, पुर्किस्तान की बात आती है, तो मेरे से रहा नहीं जाता इनको इनके कपड़े फाड़ने से। तो बाकी आगे है, बाकी जो मैंने ये वीडियो है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि दिविक कुमार है, उसका है, उसका चैनल का मेरे को नहीं पता कि वो ओरिजिनल चैनल है क्या है, किसने बनाया क्या नहीं है, लेकिन मेरे पास आया था तो मैंने उस पर देख लिया, ठीक है, रिकमेंडेशन में आया था मेरे को। अब बात ये है कि जो मुजम्मिल जी ने बात की है, जहाँ जी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं रिस्पेक्ट तब देता हूँ, क्योंकि जो बंदा ना इंडिया को इलॉजिकल बातें करता है उसके लिए तो मेरे पास जीरो रिस्पेक्ट है भाई, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी इज्जत इसलिए करता हूँ कि ये बंदा ना अगर कोई बात करता है तो वो लॉजिकल होती है। आप मेरे को क्रिटिसाइज, आप मेरे को बोल सकते हो कि ये पुरखी है, ये ऐसा है वैसा है, हाँ ये मैं मानता हूँ, मेरा दिल नहीं मिलता, लेकिन इसके जो बातें होती है ना उससे समझ आती है चीज़ों की। अब ये मेरा दिखाने का मतलब, आपको पता रीज़न क्या है इसकी वीडियो, ये ग्राउंड जीरो लेवल जीरो पे जो बंदा है ना, उस पाकिस्तान में रहता है, उनको समझता है, तो ये खुद उनके कपड़े फाड़ रहा है। जस तो हमें ये बात उठानी चाहिए कि ये देखो, ये तुम्हारा ही बंदा है, तुम्हारी बातें कर रहा है, और मेरे को पता है कि पाकिस्तानी पता क्या करेंगे, अब इसको गद्दार भी करार दे देंगे, इसको झूठा भी। एक्चुअली में ये पाकिस्तान में नहीं रहता, ये इंग्लैंड में रहता है बंदा, आई थिंक इंग्लैंड में, यूरोप की किसी कंट्री में रहता है, आई डोंट नो, लेकिन रहता बाहर है, ये 100% श्योर है। तो बात ये है कि इसने आपके सामने अब बताया कि मिनोरिटी का क्या हाल है, और ये सब झूठ बोलते हैं, ये जो जाता है ना वो मदरसा साहब लेके, शोएब चौधरी, ठीक है, सब बकवासबाजी है, सिर्फ व्यूज ले रहे हैं, ये प्यार भरी बातें आपसे कर रहे हैं, इनकी जो सोच है ये वो बिल्कुल पूरी दुनिया को मुसलमान करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब मुजम्मिल जी ने एक बात बोली कि जो मुस्लिम, जो हिंदू लड़कियां या सिख लड़कियां या कोई भी क्रिश्चियन लड़कियां, उनको ही कन्वर्ट क्यों किया जाता है। मैं 50 बारी बोल चुका हूँ, उसको इसलिए कन्वर्ट किया जाता है
ताकि उनमें से जो बच्चे पैदा होंगे वो मुस्लिम के होंगे, ठीक है। और उनको तभी नहीं कन्वर्ट किया जाता कि अगर उनको मुसलमान कर लिया, हिंदू लड़कों को या सिख लड़कों को या कुछ कर लिया, ठीक है, जबरदस्ती कर लिया, तो वो हमारी मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे, समझे। तो वो नफरत करते हैं कि हिंदू का खून, यानी कि उनके उनकी तरफ से बताता हूं, हिंदू या सिख का खून हमारे उसमें आएगा। अब बात समझो, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको सब कुछ समझ आ रहा है, मैं ज्यादा डीप में नहीं समझाना चाहता। अब ये बात समझो, अब क्या होता है कि ये 13-14 साल की बच्चियों को लेके जाते हैं, बूढ़ा बंदा, ठीक है, जैसे इनके महाराजे पुराने होते थे ना, गजनी गौरी होते थे, छोटी छोटी बच्चियों को रेप करते थे, बच्चे पैदा करते थे, उनसे मन भर जाता था, उनको छोड़ देते थे। तो ये ऐसे ही करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ देते हैं, ना फिर वो अपनी सोसाइटी में शादी कर सकती है, ना उसको फिर कोई दूसरा, यानी कि ये सारा मजे लेने का चक्कर है और दूसरा आबादी बढ़ाने का चक्कर है, ठीक है। जो बाकी है, जो यहां से बचे होते हैं, वो जो पैसे वाले होते हैं वो भाग जाते हैं, जो गरीब है वो कुछ नहीं कर पाता, उसको एक टांग देते हैं, अगर इनके बस में कुछ ना चले तो ये ब्लास्फेमी का लगा देते हैं, जैसे क्रिश्चियन लड़कियों के आसमा बीबी या हो जो जितने भी हुए हैं, ठीक है, ब्लास्फेमी का लगा देते हैं इनका। तो मैंने ये देखा है, अभी ये चाइनीज की मैं न्यूज सुन रहा था, चाइनीज पे उसने बोला कि तुम नमाज पढ़ के आओ, लेट आते हो, तो उन्होंने बोल दिया कि तूने हमें ये बोला, अब वो मुसलमान है, उन्होंने बोल दिया कि इसने ना बोला कि तुम ये खुदा बुदा छोड़ो, ये ऐसा उसने गलत बोल दिया, तो सीधा ब्लास्फेमी का लगा दिया। वो तो चाइना वाला था तब बच गया, अगर कोई और कंट्री का होता ना, श्रीलंका का जैसे मार दिया, अब उसको हेलीकॉप्टर लेने आए तो चाइना इनके डंडा ऐसा देता ना पिछवाड़े में, इनके मुंह से निकाल देता, अगर चाइनीज को ऐसे लिंचिंग कर देते जैसे श्रीलंकन को कर दिया था। तो स्पेशली मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके उड़ा के ले गया उसको। तो ये यार इनका कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया को मुसलमान करना, इनके हदीसों में लिखा हुआ है, जब तक पूरी दुनिया मुसलमान नहीं हो जाती, चाहे वो जबरदस्ती करो, रेप करके करो, जैसे गजनी गौरी के दिमाग में भी वही कॉन्सेप्ट है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, क्योंकि जिसको ये हीरो मानते हैं वो फिर उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे, तो इनका वही नक्शे कदम है गजनी गौरी वाला, अगर सीधा मानता तब ठीक है, अगर नहीं मानता तो जोर जबरदस्ती करो, सारा कुछ करो। आपके सामने सैयद मुजम्मिल ने इन पोरकियों के पूरे कपड़े फाड़ दिए हैं, बस एक बात नहीं मेंशन की जो मैंने इसकी मेंशन कर दी है कि इनका मजे लेने का चक्कर होता है, 11-12 साल की लड़की का रेप करो, जो इनके इनको सिखाया भी जाता है कि मजे करो, 13-14 साल की लड़की के बुढ़ा हो 50 साल का उसके साथ शादी कर दो, ठीक है, तो वो 1-2 साल तक रखता है, उसके बाद लात मार के निकाल देता है। तो ये इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया को मुसलमान करने का। और पाकिस्तान, मेरे को एक बात नहीं समझ आती, पाकिस्तानियों को ये पाकिस्तानी कहते हैं हम इस डेमोक्रेसी है, जबकि इस्लाम में डेमोक्रेसी का नाम ही नहीं था। जो मुसलमान दूसरी कंट्री है वो कोई डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, जहां पे शरिया लॉ होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती। तो ये एक तो कंफ्यूज नहीं, ये बेगैरत लोग हैं, या तो ये इस्लाम को पकड़ लें, अपने आप को शरिया लॉ लगा लें, कहानी खत्म हो जाए, हम इस पे बात करना ही बंद कर दें कि ठीक है इनके यहाँ पे होता है, मारो धाड़ो काटो पीटो तो ठीक है, ठीक है। अभी तो मेरे को ये समझ नहीं आती, ये सऊदी अरेबिया को भी गालियां निकालते हैं साले, जहां से ये पाकिस्तानी रेप होके अफगानों भी गालियां निकालते हैं, जहां से ये आए थे ईरानियों को गालियां निकालते हैं, वो मॉडर्न हो गए, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, दुनिया के साथ नहीं चलते। ये कहते हैं कि इस्लाम, अब पाकिस्तान इस्लाम सिखाएगा पूरी दुनिया को, इनको ये लगता है कि हम इस्लाम सिखाएंगे दुनिया को, ये है इनकी सोच। इस ये बस मेरी, मैं लास्ट में यही बताता हूँ, यही वजह है कि मैं पाकिस्तानियों से नफरत करता हूँ। ये बोलेंगे, अब आप बोलोगे ऊपर वाले बोलते हैं, जो मुजम्मिल साहब ने बोला था ना, वो वहां पे महफिल में बुलाया था मियां मिट्ठू को, और उसने बताया ये ताड़ियां मार रहे हैं, ताड़ियां मारने वाले नीचे वाले होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, जो भीड़ अप्रिशिएट करती है कि हाँ हमारे नेता ने ये ठीक बात बोली है, तो ये नीचे वाले लोग सारे हरामी के हरामी है पुर की, इस वजह से मैं नफरत करता हूं। हम लोगों को समझ नहीं आती, हमारे बंदे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां पे कटे जा रहे हैं, कन्वर्ट किए जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी इनके साथ पींगे बढ़ानी है, प्यार की पींगे बढ़ानी है। शर्म के मारे मेरा तो सिर झुक जाता है, तुम इन अमन की आशा वालों की जो इंडिया में बैठे हुए हैं,
शर्म नहीं आती इन लोगों को कि यार तुम्हारी बहु बेटियों की वो इज्जत लूटी जा रहे हैं और तुम वहां उनके साथ पींगे चढ़ा रहे हो कि हमें इनके साथ रिश्ते गहरे करने हैं। यार तुम उस कंट्री को छोड़ क्यों नहीं देते, क्या चक्कर है? मेरे को ये आज तक समझ नहीं आया इंडियंस का। और मैंने एक वीडियो बनाई है मेजर गौरवारे सर भी, यार हमें शर्म आनी चाहिए, जो हमारी बहू बेटियों के साथ वो कर रहे हैं हम उनको इज्जत बख्श रहे हैं, उनके साथ कहते हैं कि मेल मिलाप करो, बातें करो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करो। कोई पीपल टू पीपल कुछ नहीं है यार, बाकी आप लोगों की मर्जी है। बहुत मजा आया मेरे को ये देख के, इसने खुद के बंदों के कपड़े फाड़े हैं अपने मुंह के। पुरकियों, मैं आपको यह सुनाना चाहता हूं कि पुरकी भी पुरकियों के कपड़े कैसे फाड़े जाते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ बोलते हो ना, पुरकी ये बोलते हैं अपनी तरफ से बना लेते हैं, ये है वो है, ये तो इनके बंदे भी बोलते हैं कई। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, आरजू का आदमी आ लिया वो तो हरामी है ही है, लेकिन ये बंदे ने, मैंने आज तक मैंने कितनी वीडियो देख ली इस बंदे की, ये लॉजिकली क्रिटिकल करता है। और इसके आप जाके देखना, इसका ट्विटर हैंडल देखना, मेरा रीजन होता है यार, मैं किसी चीज को अगर बोलता हूं ना तो उसका मेरा रीजन होता है। आरिफ जाकिया का मेरा बोलने का, आपको मैंने बोला था ना एक वीडियो में, इसको आप फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, या मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि मेरी कहने की वजह से करो, लेकिन मैंने उस बंदे की चीजें देखी होती है, मैं बैक एंड पे देखता हूं वो क्या करता है। इसकी भी जो आप फेसबुक पे जाओगे, अगर इसने क्रिटिसाइज किया होगा तो उसका लॉजिक होगा, आपको भी लगेगा, अगर आंखें खुली होगी ना, देश को रख के सोचोगे पहले कि इसने कैसे क्यों क्रिटिसाइज किया है, तो आपको पता चलेगा लॉजिकली क्रिटिसाइज होता है, एक इलॉजिकल होता है, जे बेमतलब की प्रोपोगंडा। ये बंदा प्रोपोगंडा बहुत, मेरे 5% मान सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में है तो पाकिस्तानी है ना, 5% मान, देश का थोड़ा सा होता ही है, लेकिन लॉजिकली है। आरिफ जाकिया जी को देख लो, ठीक है, वो तो चलो खैर कट्टड़ी हिंदुस्तानी है ना, तो मैं इसी वजह से ना आपको कुछ ऐसे, हाँ जिस दिन मेरे को लगेगा इस बंदे का, मैं इस बंदे का पीछा छोड़ दूंगा, इस बंदे भी वीडियो बनाऊंगा कि ये भी गलत है। अगर आपने कभी इसका ट्वीट कोई देखा हो तो मेरे को जरूर टेलीग्राम पे डीएम करना, मेरे को दिखाना इसने 2-4 ट्वीट इसके, मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन अब तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, अभी तक ये अपने अपने मुल्क के कपड़े फाड़ रहा है, कपड़े क्या फाड़ रहा है, उनको सच्चाई आईना दिखा रहा है। तो आपको भी ये चीजें सुन के आपकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि पाकिस्तान नहीं किसी के मित्र नहीं है, वो अभी भी गौरी गजनवी के, जो यार सिंपल सी बात है, वो गौरी गजनवी को हीरो मानते हैं, आप क्या उनको हीरो मानोगे, आप क्या उनके साथ दोस्ती रखोगे, जिन्होंने हमारे हमारे ऊपर हमला किया, हमारा मुल्क बर्बाद किया, हमारी मां बहनों को उठा के ले जाते थे, उनका रेप करते थे, क्या जो उनको हीरो मानते हैं क्या उनका साथ दोगे आप, उनका क्यों साथ देने का रीजन बता दो मेरे को। तो मेरा आपको आई होप कि ये वीडियो मैंने जो दिखाया है ये असल सच है, पाकिस्तान का असल सच। तो यहां तक की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी। नेशन फर्स्ट को हमेशा, इंडिया को आगे लेके चलो, इंडिया को एक खरोंच नहीं आनी चाहिए किसी से ही, ठीक है, इसका दिखाने का मेरा मकसद है। जैसे पाकिस्तानी हमारी वीडियो उठा के गलत प्रोपोगंडा करते हैं, हम तो कोई गलत प्रोपोगंडा किया नहीं, फैक्ट एंड फिगर के साथ बंदा वो दिखा रहा था, उसने दिखा दिया, हमने उस पर बात कर ली है। तो ये जैसे ये पुरकी करते हैं, हम भी इनकी वीडियो ऐसे ही उठाते हैं कि ये तुम्हारी सच्चाई, ये तुम्हारा आईना, तुम यहाँ इसमें अपनी शक्ल देखो, फिर शक्ल देख के डर भी जाते हैं पुरकी अपनी शीशे में। तो याद रखती वीडियो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नेशन फर्स्ट को हमेशा सपोर्ट करते रहो भाई, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमें इससे लड़ना है, हमें इंडिया को एकजुट करना है, हमें इंडिया को सच्चाई दिखानी है कि पाकिस्तान की असल सच्चाई क्या है, ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते जितना मर्जी ये गुनगा लें, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो यहाँ तक की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी, बाकी आप कमेंट में डालना कि आपकी क्या सोच है। यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।